भिवानी में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां लोहारू रोड पर एक पिकअप गाड़ी और बाइक की टक्कर में बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं उसका भतीजा घायल हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और घायल सोनू का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। इलाज कर रहे डॉक्टर मंजीत की माने तो सड़क हादसे के बाद उनके पास दो लोग लाए गए थे, जिनमें एक की मौत पहले ही हो चुकी थी। हम जी गांव चांग से आ रही थी, ये जो मेरा काका जी है, ठीक है, उस गाड़ी वाले ने जी सेड मारी और एक कदम उस गाड़ी वाले ने सेड मारे तो इसका एक्सीडेंट, एक कदम बाइक जो ले रहा था काका उसका मैं भी गया जी। अच्छा जी हम जा पड़े, बस इतना यार सा हमको पता है जी, आगे हमको नहीं पता कहाँ चोट लगी है मारे कुछ नहीं। ये जी छोटी टरी थी जी जो चार पहिए वाली, फिर वो हमको लेके गया जी, इतना पता है, फिर वो वापसी लेके आ जी, ठीक है, और फिर जी फिर ये हमारे गांव के हैं जो हमें लेके आए हैं जी, ठीक है जी। उस आरसे में जी वो गड्डी वाले ने हमारा अटक कराया था जी। एक रोड साइड एक्सीडेंट हुआ आया है, वो नाम नामालूम है अभी, लेकिन उसके साथ वाले आ चुके हैं, वो ब्रोटेड आया है। क्या ये अभी जो हमारी सरकारी एम्बुलेंस लाई है, ये घायल जो पता वगैरह तो वो एम्बुलेंस वाले बता सकते हैं आपको, और हमारे पास तो जैसे आया जब मृत अवस्था में था। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ दो बंदे थे, एक का उपचार चल रहा है, एक बंदे का, और दूसरे का जो हालत है वो ब्रो डेड ही है, हमारे पास आया जब मृत अवस्था में था।